कढ़ाई पनीर, कढ़ाई चिकन तो आपको बहुत पसंद ही होगा, लेकिन उसको बनाने के लिए जब हम उसमें मसाला डालते हैं तो वो स्पेशल होता है कढ़ाई का मसाला। तो वही कढ़ाई का मसाला आज हम बनाएंगे। नमस्ते इंडिया, दिल्ली फूडी में आपका बहुत स्वागत है। देखिए हमारा कढ़ाई मसाला बनकर तैयार है, कितना बढ़िया लग रहा है। इसे हम बनाएंगे कुछ सूखे मसालों को इकट्ठा करके उनको ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे धनिया साबुत 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें साबुत काली मिर्च और 1 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे सौंफ, ये ऑप्शनल है लेकिन मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है। 2 डालेंगे बड़े इलायची, 4 से 5 लौंग और 4 हरी इलायची डालेंगे इसमें, 4 टुकड़े डालेंगे इसमें दालचीनी के। बहुत बढ़िया खुशबूदार मसाला बनता है हमारा कढ़ाई का। 3 डालेंगे तेज पत्ते और 4 से 5 डालेंगे साबुत लाल मिर्च। बस इनको हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे सारी मसालों को अच्छे से। लाल मिर्च की डंडियां तोड़ देंगे जिससे कि अच्छा सा हमारा फाइन बढ़िया मसाला भुन चुके, और ये जो हमारे तेज पत्ते हैं इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। लो फ्लेम पर सेकेंगे हम सारे अपने मसाले बहुत अच्छी तरीके से। देखिए जब ये भुन जाएगा तो अब इसे हम प्लेट में डालकर ठंडा कर लेंगे। ये बहुत ही एरोमेटिक और बहुत ही खुशबू वाला मसाला होता है कढ़ाई पनीर, कढ़ाई चिकन इसके बगैर बन ही नहीं सकता, या कोई भी कढ़ाई की सब्जी। ये देखिए सारे मसाले हम ग्राइंडर जार में डालकर और बस दरदरा सा इस तरीके का पीस लेंगे। फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे हम इसका, ये दरदरा सा इस तरीके का ही पीसेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। ये मोटा मोटा हमारा कढ़ाई का मसाला तैयार है। कढ़ाई का मसाला कढ़ाई पनीर, कढ़ाई चिकन या कोई भी कढ़ाई की सब्जी बनाने के लिए आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर सकते हैं। जब भी मन किया सब्जी बनाने का बस निकाला और इस्तेमाल किया। तैयार है हमारा कढ़ाई का मसाला। रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा चैनल दिल्ली फूडी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको और इसी तरीके की कौन सी वीडियोज़ चाहिए, मैं आपके लिए वो भी लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।